नमस्कार दोस्तों, 5 महीने की तीरा कामत एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है और इस मासूम बच्ची की जान अमेरिका से आने वाले 16 करोड़ रुपए के एक इंजेक्शन से बच सकती है। इस बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए एक राहत भरी खबर आई है। अब इस बच्ची के लिए अमेरिका से इंजेक्शन आने वाला है। जी हाँ, 5 महीने की तीरा कामत को बचाने के लिए उसके माता पिता ने दुनिया भर से मदद की गुहार की थी। आपको बता दें कि दुनिया भर से मिली मदद के बाद बच्ची के माँ बाप के पास 10 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। अब मात्र 6 करोड़ की दरकार थी, तब मिहिर कामत ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि वो इस इंजेक्शन को अमेरिका से भारत लाने पर लगने वाला 6 करोड़ रुपए का टैक्स माफ़ कर दे, ताकि इंजेक्शन भारत लाया जा सके और उनकी मासूम बच्ची को संजीवनी मिल सके। इसके लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ये अपील की थी कि यदि सरकार इंजेक्शन पर लगने वाला टैक्स और GST माफ़ कर दे तो तीरा के लिए जल्द से जल्द इंजेक्शन लाया जा सकता है। देवेंद्र की ये प्रार्थना केंद्र सरकार ने स्वीकार करते हुए उस इंजेक्शन पर सभी तरह के टैक्स माफ़ कर दिए हैं, जिससे तीरा को लगाया जाने वाला ये इंजेक्शन आने की राह अब साफ हो गई है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा, उधर तीरा के माता पिता भी इस खबर को सुनकर निहाल हो गए। इस इंजेक्शन की बदौलत उनकी ज़िंदगी वीरान होने से बच जाएगी और इस मासूम की किलकारियाँ उनके आंगन में हमेशा कायम रहेगी। तीरा के पिता मिहिर और माँ प्रियंका मुंबई में ही मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हैं। आपको बता दें कि तीरा दुर्लभ बीमारी SMA Type 1 से पीड़ित है। दुनिया में ये कम ही बच्चों को होती है और इससे ग्रसित बच्चे के जीवित रहने की संभावनाएं हद से हद 18 महीने तक रहती है। मुंबई के ही SRCC अस्पताल में फिलहाल तीरा का इलाज चल रहा है और डॉक्टरों को उम्मीद है कि इंजेक्शन के बाद बच्ची की तबीयत सुधर जाएगी। वहीं मोदी सरकार के इस कदम की अब हर ओर प्रशंसा हो रही है। तीरा के माता पिता ने जिस FB पेज पर बच्ची के लिए आर्थिक मदद मांगी, उस पर भी जमकर मदद आई, जिसकी बदौलत माता पिता 10 करोड़ जैसी बड़ी रकम जमा करने में कामयाब हो पाए। ऐसे में एक सलाम उन लोगों को भी बनता है जिन्होंने इस बच्ची के जीवन के लिए मदद करने को अपने हाथ आगे बढ़ाए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।